दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हाउ टू अर्न 60 to 80,000 फ्रॉम कैब, यानी ओला और उबर से हम लोग कैसे हमारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और हमारे अर्निंग सोर्स हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी टॉपिक पे मैंने अच्छा लंबा खासा वीडियो कवर किया था। एक व्यूअर ने मुझे पूछा है कि सर ये जो टी परमिट व्हीकल होता है इसका टैक्स एनुअल कितना आता है, क्योंकि उसकी क्वेरी ऐसी थी कि मुझे कोई बता रहा है कि 40,000 रुपये लगता है, कोई 50,000 लगता है, कोई 35,000 रुपये लगता है, तो एक्चुअली ये टैक्सेस लगते क्या हैं। दोस्तों आज हम यही टॉपिक कवर करने वाले कि एक्चुअल टी परमिट चीज है क्या और उसके टैक्सेस एनुअल होते क्या। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि टी परमिट है क्या। टी परमिट मीन्स टूरिस्ट व्हीकल। आप लोग जो कोई भी गाड़ी देखते हो ना एलो नंबर प्लेट, उसे कहा जाता है टी परमिट। वो वेरिएंट होते हैं उन लोगों के, बस, ट्रक, कार, ओला उबर में जो कोई भी आप लोगों का गाड़ियाँ दिखती है वो सारी होती है टी परमिट मीन्स टूरिस्ट व्हीकल। दोस्तों ये इसका टैक्स क्या आता है एनुअल का, मैं अगर ओला और उबर की बात करूँ तो मैं आपको उसी पे बताता हूँ कि इसके एनुअल टैक्सेस क्या होते हैं। इसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी कवर किया था कि ये डॉक्यूमेंट होते क्या हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोड टैक्स, देन ऑथोराइजेशन, फिटनेस, PUC, इंश्योरेंस। अब एक्चुअल इसका ईयरली टैक्स कितना है हम वो टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पवन कारवेंड है, मेरे वीडियो को आप आखिरी तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि टी परमिट के टैक्सेस है क्या। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसका एक ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, येलो कलर का पेज होता है जो 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसे कहा जाता है परमिट सर्टिफिकेट। दूसरा होता है रोड टैक्स जिसका 8,000 रुपये होता है। देन आता है PUC जो 100 रुपये में हो जाती है। पासिंग, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है जो होता है 500 रुपये, उसका एक चार्ज आता है। उसके बाद इंश्योरेंस 20 से 25,000 रुपये का एक इंश्योरेंस होता है। अब मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने जाने वाला हूँ कि उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, टैक्स रिसिप्ट कितना होता है, टैक्स आता कितना है, उसके बाद परमिट किस तरीके का होता है, येलो पेज क्या है, वाइट पेज क्या है, परमिट सर्टिफिकेट क्या है, ऑथोराइजेशन क्या है, ये चीज़ें देखते हैं। चलो शुरू करते हैं अभी दोस्तों ये सारे वीडियो को। फ्रेंड्स आप ये जो पेज देख रहे हो फॉर्म नंबर P.CO.T, इसे परमिट सर्टिफिकेट कहा जाता है टूरिस्ट व्हीकल का। दोस्तों देखो यहाँ पे नेम दिख रहा है ट्रैवल्स कंपनी का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, और इसकी मैं आपको वैलिडिटी दिखा देता हूँ। ये होता है टोटल 5 साल के लिए वैलिड। आप देख सकते हो ये 8/3 और ये 2021 तक ये वैलिड है। इसे कहा जाता है सर्टिफिकेट परमिट का। दोस्तों इसे सिर्फ एक ही बार रिन्यू करना होता है और वो भी 5 साल के लिए। उसके बाद फिर दूसरा आता है रोड टैक्स जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ। ये जो आप स्लिप देख रहे हो मैनुअल है, ये है रोड टैक्स की, जिसकी कीमत और जिसका टैक्स जाता है 8,000 रुपये। ये 1 साल का होता है, 2017 से 2018 तक 8,000 रुपये इसका टैक्स जाता है। दोस्तों ये जो येलो कलर का आप पेज देख रहे हो, इसे कहा जाता है ऑथोराइजेशन। इसको रिन्यू करने के लिए भी 1 साल का समय लगता है और इसका जो ऑथोराइजेशन का जाता है वो सिर्फ 1,000 रुपीज़ का जाता है टैक्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सेम वैसी, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल 2016, ये इंजन नंबर, देन चेसिस नंबर, और ये देखो दोस्तों यहाँ होगा परमिट, एक्सपायरी ऑफ परमिट 2021 तक, यानी अगर ये 2016 की है व्हीकल तो 5 साल अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये होता है एक्सपायरी ऑफ परमिट 2021 तक। अब मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको दूसरी चीज़ ये दोस्तों, जब हम लोग 8,000 रुपये टैक्स भरते हैं रोड टैक्स, तो ये 8,000 रुपये का एक स्लिप मिलने के बाद वो जो येलो कलर का पेज है वहाँ पे उसके अपडेट होते हैं साल का टैक्स, जो कि इस तरीके का होता। आप देख रहे हो ये 2016 से 2017 8,000 रुपये का एक टैक्स होता है, देन 2017 to 2018 ये होता है सेकेंड ईयर का टैक्स जो 8,000 रुपये हम लोग भरते हैं, जिसका मैंने आप लोगों को एक स्लिप दिखाया था। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट के लगते हैं सिर्फ 500 रुपये और ये जो फिटनेस होता है ये 2 साल का होता है। जब भी कोई व्हीकल हम लोग लेते हैं तो RTO उसे 2 साल के लिए रिन्यू करके देता है। जैसे आप देख रहे होगा यहाँ पे मैं जूम करूँ तो ये 2016 से लेके 2018 तक, यानी ये 2 साल का आप लोगों को द सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस इज वैलिड फ्रॉम 2016 to 2018। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये 2 साल के लिए वैलिड होता है और ये इसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरीके से RC में रजिस्टर्ड होता है, या फिर एक लंबी स्लिप होती है वो भी एक अलग तरीके से फिटनेस के सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाता है। फिटनेस ही होता है दोस्तों, आखिरी में इसको रिन्यू करना होता है। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, येलो पेज, परमिट, PUC, ये सारी जो चीज़ें हैं इसे पहले रिन्यू करना होता है, देन फाइनली फिटनेस होता है। PUC का जो खर्चा होता है वो सिर्फ 100 रुपये का। ये रही सारी
डॉक्यूमेंट जिसका हम लोगों को टैक्स देना होता है। जो मेरे एक व्यूअर ने मुझे क्वेश्चंस किया था कि कितना जाता है, अब मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। जो मैंने आपको एक पेज दिखा वो होता है रोड टैक्स का 8,000 रुपीज़। देन एक येलो कलर का पेज है जो उसका एथोराइजेशन जाता है 1,000 रुपीज़ का, मीन्स 9,000 हो गया। फिटनेस के 500, पीयूसी के 100, मीन्स टोटल हो गया 9,600 रुपीज़। और अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में लगभग हमारे जाते 20 से 25 हज़ार रुपये के लगभग, उसके बीच में हम लोग एक 20 का पकड़ते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में तीन टाइप के आते हैं। एक आता है कॉम्प्रेसिव, देन एक आता है नील डेप्रिसिएशन जिसे जीरो डेप कहा जाता है, और एक आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सबसे कम होता है जो कि 16 से 18 हज़ार के बीच में आता है। देन आता है कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव में कवर होते हैं सारी चीज़ें जिसमें वो लगभग 20 हज़ार से 21 हज़ार रुपये तक जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो नील डेप्रिसिएशन मीन्स जीरो डेप। आपकी गाड़ी को कुछ भी छोटा मोटा डेंट एक्सीडेंट होता है तो पूरी होल कार उसमें कवर होती है, उसे कहा जाता है जीरो डेप इंश्योरेंस, जो कि 25 से 26 हज़ार रुपये का होता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा सीधा सीधा कि आप जीरो डेप इंश्योरेंस ही बनाइए अगर आपकी व्हीकल टी परमिट है तो। दोस्तों ये हो गई सारी डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेस के बारे में। और हाँ दोस्तों, ये पेनल्टी वाला सब्जेक्ट क्या है, हम लोग क्या करते हैं टैक्स पे नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रोज़ उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, और वो फिर 8,000 के जगह हम लोगों को लगता है कहीं 11,000, कहीं 12,000 रुपये, कहीं लगता है हम लोगों को एथोराइजेशन की, उसकी भी पेनल्टी हम लोगों को अलग तरीके से भरनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती बढ़ती जाती है। पर मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको और बोलना चाहता हूँ सीधा सीधा कि जो भी टैक्स आता है वो जो भी मंथ का है ईयर बाय ईयर उसको पे कीजिए, ताकि आप लोग पेनल्टी से भी बचेंगे, और आपकी गाड़ी का कोई भी कई जगह भी एक्सीडेंट हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट उसको ओके और क्लियर चाहिए, तब जाकर वो क्लेम मिलता है, अदरवाइज वो क्लेम मिलता नहीं है। तो वो फिटनेस हो या वो एथोराइजेशन हो, वो टैक्स हो, वो पीयूसी हो, या कोई वो इंश्योरेंस हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसे कंप्लीट कीजिए, टैक्स गवर्नमेंट को दीजिए। क्योंकि ये टैक्स जब हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमें ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म के तरीके से हम लोगों को रिटर्न होता है। तो दोस्तों ये हो गए सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी टी व्हीकल टी परमिट जो है ओला उबर में जो भी कनेक्ट होते हैं उसको एक स्पीड कंट्रोल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, जो कि 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में होता है। वो वन टाइम आप लोगों को खर्चा है, एक बार उसे लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो गाड़ी फिटनेस या पासिंग होती है। तो वो एक ज़्यादा का खर्चा है दोस्तों, वो हम लोगों को लगाना ही होता है, उसके सिवा वो गाड़ी पास होती नहीं है। तो एक स्पीड कंट्रोल वाला ये एक हो गया। हम लोग अगर मोटा मोटा एक अमाउंट पे अगर सोचे तो 9,600 रुपये टैक्सेस का, 20,000 रुपये इंश्योरेंस का, तो वो लगभग हो गया है 29,600, इतना हम लोगों का खर्चा आता है, और वो स्पीड कंट्रोल जो एक साल का होता है 6 से 7 हज़ार रुपये का। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों को और इसके बारे में क्या जानना है, कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए ओला या उबर की तरफ से, या इंश्योरेंस की तरफ से, या कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, टी परमिट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो एक टूरिस्ट व्हीकल है जो हमें ओला या उबर में लगाना होता है, या आप कोई भी बड़े से बड़े मुंबई में अगर आप जाओगे ना दोस्तों, तो आपको वहाँ पे ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसे बड़ी बड़ी कारें जो होती है वो येलो नंबर प्लेट में दिखती है, टी टूरिस्ट व्हीकल उसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था आज के डॉक्यूमेंट की तरफ, मुझे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा आई होप, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट दीजिए, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार आपको दिल से थैंक यू।